पंजाब दी पार्लियामेंट किस प्रकार लड़नी है, संगठन नू किस तरह मजबूत करना है, किस तरह असी मंडल जिहड़े है वह बनाने हैं, और इहदे ते तमाम विचार वटांदरा जिहड़ा अज अंदर मीटिंग दे विच होया, सब लोगों ने आपदे विचार रखे, सब लोगों ने आपदी आपदी गल रखी जो मन दे भाव सन, वो इस करके अज दी इह मीटिंग रखी। बिल्कुल अलायंस नू लैके भी चर्चा रही और हर व्यक्ति ने आपदी आपदी राय दित्ती, और उन्होंने आख्या भी ये जड़ी जड़ी साड़ी राय है ये हाई कमांड तक पहुँचाउण दा काम CLP ते PCC करे, और वो असी जड़ी राय है वो असी कांग्रेस पार्टी दे प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ते आदरणीय राहुल गांधी जी नू आने वाली 15 तरीक नू जड़ी भी साड़ी तेलंगाना दे विच CWC दी मीटिंग हो रही है उहदे विच असी वो तमाम जिहड़े सुझाव ने पंजाब प्रति वो असी उन्हां दे सन्मुख रखांगे। जी वरिंग साहब, ये भी बात आ रही है कि मेजोरिटी लीडर जो है कांग्रेस पंजाब के वो आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस के पक्ष में नहीं। देखो कौन पक्ष में है कौन नहीं, ये पार्टी की इंटरनल बात है, इंटरनल गल है पार्टी दी, कौन पक्ष है कौन नहीं पक्ष है ये सारी असी लीडरशिप नू दसांगे कि आ सानू हर व्यक्ति ने क्या गया। मैं तुहानू कह रहा कि हजे तक सानू कांग्रेस पार्टी दा सुनो चाहे इंडिया अलायंस होया जिहदे विच आम आदमी पार्टी ते 26 पार्टियां दा पार्टिसिपेशन होया, हजे तक सानू कांग्रेस पार्टी दे मुखिया मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ते साडे लीडर राहुल गांधी ने यह गल कही है कि तुसी लोग 13 दियां 13 लोकसभा सीटा ते अपनी तैयारी रखो ते सरकार दे खिलाफ जो भी पंजाब दे लोगां दे मुद्दे है उन्हां नूं जम के जोर दे नाल आम लोकां दी आवाज बुलंद करो, ये सुनेहा कांग्रेस पार्टी दा साडे कोले हुण तक दा हैगा। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मैं समझना कि इन्ने वे इस तरह एरोगेंस उन्हें दी शो हो रही है, मतलब कि होमे ते हंकार च है, जे ऑपोजिशन ने इंडिया नाम रख लिया तो उन्होंने इंडिया नाम तो भी नफरत हो गई है, अजकल वो इंडिया के खिलाफ भी उन्होंने बोलना शुरू करता है, इस गल करके उन्होंने इंडिया की थां ते भारत रख लिया, इस प्रकार नफरत इस प्रकार के जिहड़े भाव है इन्होंने नरेंद्र मोदी जी नूं इस बार सरकार तो चलदा करना है, और इस करके ये जिहड़े लोग ने अलायंस दे 26 पार्टियां बेशक मैं कई बार कह इन्हां दे रंग वक्रे वक्रे ने, इन्हां दे झंडे वक्रे वक्रे ने, ये आमने सामने लड़ते ने दुश्मन की तरह आमने सामने लड़ते ने ते लड़नगे, लेकिन इसके बावजूद भी देश की डेमोक्रेसी और देश के संविधान बचाने वास्ते इकट्ठे हुए ने, और मोदी जी नूं इस तरह मैं गुजारिश करूँगा कि इंडिया ते भारत नूं वख वख वेखणा नहीं चाहिए। सो मैं थोनू कहा कि बहुत सारिया ग्रीमावां होंदियां साडियां पार्टी दे प्रधान दी, अगर मैं पार्टी दा प्रधान नहीं हाँ तो मैं अपने मन दे विचार तुहाडे सामने रख सकदा, पर पार्टी दा प्रधान होण दे नाते बहुत सारिया जिहड़ियां सीमावां है वह मैं क्रॉस नहीं कर सकता, सो इस करके जिहड़े विचार है मेरे जां कांग्रेस दे लोकां दे विचार है वह असी हाई कमांड नूं दस देंगे, और तुहानूं भी अपने आप अंदाजा हो जूगा, वह कहिंदे कम्मां तों पछाणिया जांदा, कोई भी गल कम्मां तों पछाणी जांदी है, तुहानूं अपने आप अंदाजा हो जाएगा कि रुख किस पक्ष से हैगा। सुनील जाखड़ जी कहिंदे ने जां नहीं कहिंदे ने ये कोई बहुता महत्वपूर्ण गल नहीं है, वो ये दसन भी तुहाडी गल अकाली दल नाल मुक गई है कि नहीं मुक गई, जिस अकाली दल के बारे तुसीं इन्ना कुछ कहिंदे सी, और जिस जिहड़ा व्यक्ति BJP की विचारधारा से सवालिया चिन्ह करते रहे 68 साल की उम्र तक, वो अज ये कहण कि चोर तो सिपाही मुक गया,
68 साल तक वह इसे चोर तो इसे सिपाही दे नाल सी। देखो हरपाल चीमा जी क्या कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं, क्या इंफॉर्मेशन है उनके पास, किसने उनको कहा है, कब बात हुई है, वो गठबंधन में वहां गए थे नहीं थे, वो मेरे को पता नहीं है। लेकिन मैनू लगता, मैं तो कह कि मेरे को जी इंफॉर्मेशन कांग्रेस पार्टी की है, उन्होंने यह कहा कि 13 दी 13 सीटा की तुम लड़ाई की तैयारी करो, 13 दी 13 सीटा पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी और अपनी रणनीति बनाओ और पंजाब के लोगों के पक्ष के मुद्दों की लड़ाई बनाओ।